trade until your bank account looks like your phone number. Good morning friends, currency daily analysis pe aap sabhi ka swagat hai. Aaj hai 19th of January 2023. Sorry for delay in publishing the daily analysis. Kal ka jo major event tha usme aapka dollar yen ka tha, jahan pe after the BOJ it traded high of 131.57. अभी आप अगर देखोगे कल जब करेंसी एनालिसिस मैंने बनाया था, एट दैट टाइम इट वाज अराउंड 128.60-70. उस टाइम पे हमारा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था वो था आपका 130.50 से 131 एज अ फर्स्ट सब रेजिस्टेंस जोन, एंड देन इट इज 134. कल का जो हाई ट्रेड हुआ है वो आपका हुआ है 131.57. ये लेवल पे आने के बाद इट कुडंट सस्टेन देयर एंड रिट्रेस बैक रिवर्स्ड ऑल द गेन्स दैट इट मेड. ठीक है, अभी डॉलर इंडेक्स में आते हैं. डॉलर इंडेक्स अभी है 102.49. कल यहाँ पर भी थोड़ा सा हेवी मूवमेंट हुआ था, बोथ साइड मूवमेंट. ऑन द अपर साइड इट वाज 102.90, ऑन द लोअर साइड इट इज ऑन द 101.52. ये एक कैंडल बनाया हुआ है, दैट इज यू कैन से द पिन बार, यू कैन से द डोजी और ऑल्सो, बट आई विल से इट इज ए पिन बार. एंड पिन बार आफ्टर ए डाउन मूव इज ए मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट सिग्नल. व्हाट इट मीन्स सिग्निफाइज दैट अगर कल का जो हाई है आपका 102.90 उसके ऊपर अगर थोड़ा बहुत सस्टेन कर जाता है, इन सच ए केस डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा ऊपर की तरफ बाउंस कर सकता है. अगर वहाँ पे जाएगा तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस आपका आएगा तो वो आएगा 103.70 से 104.00 के बीच में. डॉलर रुपी में कल अच्छा खासा एक सेल ऑफ देखा गया फ्रॉम 181.8250 लेवल्स, जैसे कि हमारा एक्सपेक्टेशन था प्रीवियस एनालिसिस पे. कर यहाँ पे लेवल पे, इस लेवल पे हमारा एक्सपेक्टेशन ये था रुपी अगर यहाँ से बाउंस करके अगर ऊपर जाता है टूवर्ड्स आपका 81.90 से 82.10 एंड वहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, दैट इज गोइंग टू बी एन एक्सीलेंट साइन. एंड कल और परसों वही हुआ है. कल आपका हाई मारा था 81.8250 एंड परसों का जो हाई मारा था वो मारा था आपका 81.8850. यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे काफ़ी फॉल हुआ था. कल का जो लो था करीबन आपका 81.17, वेयर इज हमारे इंडियन मार्केट में जो लो था 81.23, अभी 81.41. व्हाट नेक्स्ट? जब तक रिसेंट स्विंग लो को तोड़ता नहीं है नीचे की तरफ, दैट इज 81.10 के नीचे क्लोज नहीं दे देता है, तब तक ये एक साइडवाइज कंसोलिडेशन बनाएगा बिटवीन 81.10 एंड 81.90 के बीच में, ऊपर नीचे करेगा. वी नीड टू वेट फॉर द ब्रेक बिलो द लोअर साइड. व्हाई ब्रेक बिलो द लोअर साइड? बिकॉज ब्रेक बिलो द लोअर साइड विल गिव यू ए गुड रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड टुवर्ड्स 80.50 की तरफ. वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस वर्सेस द टारगेट द गेन विल गिव यू मैक्सिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रिटर्न्स. सो इसीलिए एंड ऑल्सो प्राइस एक्शन के हिसाब से जब तक 82 के ऊपर डेली क्लोज नहीं दे देता है, सेल ऑप्टिक्स में भी द मंत्र फॉर सम मोर टाइम. GBP डॉलर आपका अभी है 1.2332. ये जब परसों का एनालिसिस था 1.23 के आसपास, वी आर एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस हियर. और वीकली में अगर हम इसको देखने का प्रयास करेंगे तो वीकली इट वाज अप्रोचिंग 60, अभी भी वहीं पे है. दैट बीइंग द केस, हायर प्रोबेबिलिटीज इसके आसपास ही रेजिस्टेंस ले सकता है. सो ये जो रेजिस्टेंस है 1.24 इज एक्सपेक्टेड टू वर्क एज ए गुड रेजिस्टेंस लेवल, 1.24 1.2450. तो ये रेजिस्टेंस अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस हो सकता है, एंड हमें देखना है कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आता है या नहीं. इन सच ए केस अगर नीचे आता है तो इमीडिएट जो सपोर्ट हो सकता है वो हो सकता है 1.2150 से 1.2170 इज द इमीडिएट सपोर्ट लेवल. GBP INR आपका है 100.40, ये आपका यहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा है, एंड देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि
ये एक रेन शिफ्ट कर सकते हैं. रेन शिफ्ट का मतलब टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60 एंड देन कमिंग डाउन. सो इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा क्या ये होता है या नहीं. अगर ये होता है तो हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट एक बनाना है. इसके लो के नीचे अगर जैसे क्लोज दे देगा तो हमें एक शार्प सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यूरो डॉलर 1.0790 कल ऊपर के लेवल पे प्राइस गॉट रिजेक्टेड, ट्रेडेड हाई ऑफ 1.0887 एंड रिजेक्ट हुआ है. अभी देखने वाला बात ये है कि क्या ये आपका 1.0725 1.0750 के आसपास सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता है या नहीं. समथिंग लाइक दिस, इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेके क्या ये ऊपर की तरफ जाता है या नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा. एंड ऑल्सो अगर RSI देखोगे क्या ये 60 पे रेजिस्टेंस लेके फिर दोबारा ऊपर की तरफ जाता है या नहीं, वो हमें देखना पड़ेगा. बिकॉज वीकली अबोव 60 है लेकिन मंथली इज नॉट दैट मच, इट इज जस्ट एट 47.50 लेवल्स. सो हमें एक सपोर्ट का इंतजार है यहाँ, समथिंग लाइक दिस सपोर्ट लेके यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऐसा अगर करता है एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम RSI भी अगर सपोर्ट लेता है सो इट इज गोइंग टू बी ए गुड अपवर्ड बुलिश मूव. लेकिन कल का जो कैंडल बनाया हुआ है ये एक पिन बार, इन्वर्टेड पिन बार बनाया हुआ है. दैट बीइंग द केस जब तक इसका कल के हाई नहीं तोड़ता है, दैट इज 1.0890 के ऊपर क्लोज नहीं दे देता आवर्ली बेसिस पे, तब तक अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं. यूरो INR देखते हैं 87.87, ये आपका 60 पे रेजिस्टेंस ले रहा है और वीकली लेकिन अबोव 60 है, मंथली जस्ट ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 60. सो यहाँ पे थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो इमीडिएट टारगेट हो सकता है 86.80 से 87.00 का हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं. डॉलर येन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. येन INR अगर हम देखेंगे ये कल नीचे के तरफ आपका 62.17 तक आ चुका था. यहाँ पे एक डाइवर्जेंस दिख रहा है हमें, हायर हाई ऑन द प्राइस टर्म्स एंड हायर लो ऑन द RSI टर्म्स, ये सीरियल डाइवर्जेंस है. दैट बीइंग द केस ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस सपोर्ट एक है, इसके नीचे क्लोज दे देता है तब जाके हमें एक अच्छा खासा सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो इस इंस्ट्रूमेंट पे आपको अगर नीचे की तरफ देखना है तो ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इसके नीचे क्लोज देना पड़ेगा. डॉलर कैंडी 1.3502 ये बॉटम लेवल से बाउंस बैक किया है. अभी देखने वाला बात ये है कि क्या ये करंट लेवल पे आपका रेजिस्टेंस लेता है आपका या नहीं. 1.3550 एरिया पे रेजिस्टेंस लेके दोबारा अगर नीचे की तरफ आता है दैट इज गोइंग टू बी अनदर सेलिंग, गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर अस. यहाँ पे डेली टर्म्स में आप देखोगे 640 के आसपास सपोर्ट लेके ये कंसोलिडेट किया है, ऊपर की तरफ जा रहा है. अभी हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या नीचे की तरफ आता है हमें इसको देखना पड़ेगा. $80.6903 कल अच्छा खासा एक इन्वर्टेड पिन बार बनाया हुआ है. उसका लोकेशन कहाँ पे था, इमीडिएट जो रेजिस्टेंस जोन था 0.7050 से 0.7125 के बीच में, ये एक अच्छा खासा इन्वर्टेड पिन बार बनाया है आफ्टर ए लॉन्ग अप मूव. उसके बाद ये नीचे की तरफ है. दैट बीइंग द केस वी मे एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ सेलिंग ऑफ, एवरी अपटिक मे बी सोल्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम. डॉलर्स यानी 6.77 आपका देखोगे कि लोअर लेवल से ये अच्छा खासा बाउंस बैक करके ऊपर जा रहा है. अभी हमें देखना है कि ये जो हमारा जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल था जिसको टेम्पोरली ब्रीच किया है उसके बाद ये ऊपर जा रहा है, क्या ये अपर एंड हायर एंड ऑफ द रेंज को तोड़ के ऊपर जाता है. अगर जाता है तो CNH के लिए बहुत ही खतरनाक है. व्हाट इट विल सिग्निफाई, इट विल सिग्निफाई ए अपवर्ड शार्प अपवर्ड मोमेंटम इन CNH. लेकिन क्या वो होता है वो हमें देखना पड़ेगा. UKL 84.20 कल एक ये रेजिस्टेंस लिया है एट 87.80 लेवल पे, तो यहाँ पे ये हायर क्लोज दे नहीं पाया. हायर हाई बनाया हुआ है लेकिन हायर क्लोज दे नहीं पाया. बट anyway, आपका जो फॉर्मेशन वाइज जो बेसिक्स ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस है वो हायर हाई हायर लो बना चुका है. अभी हमें देखना है ये जो RSI इज टेकिंग रेजिस्टेंस इन 60, इसको अगर ऊपर जाना है
तो इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ आरएसआई जाना पड़ेगा. इन सच ए केस वी मे एक्सपेक्ट ए गुड अप मूव. फर्स्ट रेजिस्टेंस विल बी एट 89.50, सेकंड रेजिस्टेंस विल बी एट 92.50 लेवल्स. यूएस 10 ईयर ट्रेजरी अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया है कल, अभी है 3.36. ये जो स्विंग लो है उसको ब्रेक करके नीचे चला गया कल, एंड आज उसके नीचे फॉलो थ्रू थोड़ा बहुत दिख रहा है. दैट बीइंग द केस यहाँ पे हमें और फर्दर सेल ऑफ वीकनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना. आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा. इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.